हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टॉक क्राफ्ट आईपीओ। तो ये आईपीओ जो है ऑनगोइंग है, आज पहला दिन है, तो इस पर हम एनालिसिस करेंगे। तो ये जो कंपनी है, आप जैसे देख रहे हैं कि किचन अप्लाइंसेस में जो है ये कंपनी है। तो यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है कि स्टॉक क्राफ्ट इज द लार्जेस्ट किचन अप्लाइंसेस कंपनी इन इंडिया, और इनका ड्रीम है कि हर किचन में जो है हमारी अप्लाइंसेस हो। इस पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। इसमें हम आपको पूरा डिटेल लेने से धन्यवाद वाले हैं कि आपको एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि ये आपको वो चीज़ बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसकी मेरिट एंड डिमेरिट है, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो है ये स्टॉक क्राफ्ट का आईपीओ ऑनगोइंग है, 25 से 28 जन के बीच में है। यहाँ पे आप कंपनी के बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हैं चित्तौड़गढ़ पे। इनका जो स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन अप्लायंसेस कंपनी इंडिया, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है इनका पोर्टफोलियो। इस कंपनी में जो है ब्रांड नेम अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नेटवर्क भी अच्छा है। इस कंपनी के जो हम फाइनेंशियल देखे हैं, तो फाइनेंशियल जो है पहले 2018 में जो है उन्होंने 120 मिलियन का जो है लॉस बुक किया था। इसके बाद 7.36 प्रॉफिटेबल हुई थी। इसके बाद जो है 20 में 31 मिलियंस का प्रॉफिट हुआ था, और यहाँ पे सब्सटेंशियल हाइक देखा गया है प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कि जो है COVID-19 में कॉस्ट कटिंग कारण जो है एक दिखा गया था। ऐसा लेवल सस्टेन होना डिफिकल्ट है। कंपनी ओवरऑल जैसे प्रॉफिट मेकिंग मशीन है, प्रॉफिट बना रही है कंपनी, लेकिन ये जो फिर अभी का दिख रहा है वो सस्टेन रहेगा, इज नॉट गारंटी। कंपनी का जो फंड रेजिंग का जो पर्पस है, टू मेक द रीपेमेंट और प्री पेमेंट ऑफ द कंपनी, तो लोन रीफाइनेंसिंग करना चाहती है, और जो उनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए कंपनी को फंडिंग चाहिए। 25 से 28 जो आज आप आज आज ही स्टार्ट हो गया है, तो आज 10 AM से लेके इसके बीच में 10 AM से लेके 5 PM के बीच में आप बिड कर सकते हैं। ये प्राइस बैंड है, आप जब भी बिड करते हैं कट ऑफ प्राइस पे बिड कीजिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। 38 के मल्टीपल में जो है आप बेट कर सकते हैं। मिनिमम एक लॉट जो 15,000 के अंदर होता है, वो आपको यहाँ पे देखा गया 14,630 में बेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 13 लॉट एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी जो है 413 करोड़ डिमांड कर रही है, बहुत ही छोटा आईपीओ साइज है। तो 95 करोड़ जो है कंपनी यूज करेगी अपने, जो भी उनका जो कंपनी को कंपनी के बैलेंस शीट में पैसा जाएगा उसे कंपनी यूज करेगी, और ये पुराने प्रमोटर हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट कुछ 300 के आसपास आएगा वो करो जो है जो उनके अर्ली प्रमोटर लेके जा रहे हैं। तो ये 28 को क्लोज हो जाएगा। सेकेंड एंड थर्ड फेव के बीच में जो है अभी रिजल्ट आउट हो सकता है, आपको मिला कि नहीं मिला, और फिफ्थ को ये लिस्टिंग लिस्टेड हो जाएगा। उसमें आप ओपन मार्केट में आप सेल कर सकते हो या फ्रेश बाइंग कर सकते हो। तो ये जो है इनका बिडिंग ऑनगोइंग है, इसका यदि आप सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाएगा। तो आज का जो रुझान है, आज जो डिमांड देखा गया है, डिसेंट डिमांड है, लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले जो है पहले 1 घंटे में ही 23% सब्सक्राइब हो गया था। अभी आपको देखा जा रहा है कि ये जो है ऑलमोस्ट 0.5 में कि जो है 50% सब्सक्राइब हो चुका है। तो डिमांड देखा जा रहा है, और जो उनको जो पैसा चाहिए उसमें से 185 करोड़ का जो है एंकर अलॉटमेंट हो चुका है। तो इसमें भी जो है एक पॉजिटिव साइन है। एनलिस्ट का मानना है कि इस कंपनी की जो मार्जिन है, जो कंपेरेटिवली इसके दो पीयर्स हैं आप देखेंगे तो दो है, एक टीटीके प्रेस्टीज है और दूसरा है हॉकिंस है। तो इसका मैंने कटिंग रखा है, तो इसमें आप देखो कि इस कंपनी के जो है कंपेरिजन विथ लिस्टेड पीयर्स, तो ऐसा देखा जा रहा है कि आप देखो तो इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटी कंपनी है, और इनका जो मार्जिन भी थोड़ा सा लो है, जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी कम दिख रहा है कंपेयर टू हॉकिंस एंड टीटीके पेस्टिस। ये जो दो कंपनी है जिनके जिससे कंपेरिजन किया जाता है, टीटीके पेस्टिस एंड हॉकिंस, दोनों ने जो है वेल्थ बना के दिया है। हॉकिंस का चार्ट जो है काफी अट्रैक्टिव है, आप देख सकते हैं हॉकिंस ने जो है काफी यूज पैसा बना कर दिया लोगों को, और इनकी हॉकिंस का जो है रिटर्न रेशियो भी काफी अच्छा है। तो
फाइनेंशियल रेशियो कंपेरिजन में है कंपनी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हॉकिंस है, एनटीटी कैपेसिटीज है। दोनों कंपनी ने वेल्थ बना दिया है, वेल्थ बना के दिया है, तो इस कंपनी में भी वेल्थ बन सकता है, क्योंकि जिस सेगमेंट में आती है वो है एक कंजम्पशन सेगमेंट है। हम जो है जो ब्रांड है हम कंज्यूम करते हैं, किचन अप्लाइंसेस जो है यूज करते हैं, इनकी जो है हम जैसे जैसे कंजम्पशन करते जाएंगे तो उस कंपनी के सेल्स में जो है एक इंक्रीज दिखेगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है आने वाले समय बढ़ते हुए दिखेगी। इस कंपनी में जो एक डिमेरिट है, डिमेरिट ये है कि आप इनके यदि आप जो है आप प्रोस्पेक्टस को रीड करोगे तो उन्होंने हाईलाइट किया है कि इनके अंदर रिस्क क्या है। तो रिस्क बताया कि देयर आर वेरियस प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग आवर कंपनी, आवर प्रमोटर्स, आवर डायरेक्टर्स, व्हिच इफ डिटरमाइंड अगेंस्ट अस और आवर प्रमोटर्स और आवर डायरेक्टर मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन बिजनेस। एक लीगल इशू चल रहा है, उस लीगल इशू का यदि डिसीजन आता है तो वो इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी की बिजनेस, कंपनी के प्रमोटर्स, इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट जो है किसी भी एंगल से इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये जो निगेटिविटी होती है जो आपको फाइनेंस में नहीं दिखेगा, तो ये जो है कभी ना कभी इम्पैक्ट कर सकता है लॉन्ग रन में। तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा सी निगेटिव सेंटिमेंट भी हो, और जो है इसका जो है आपको थोड़ा सा ये जो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें भी थोड़ा सा एक जो है थोड़ी सी फॉल हुई है। तो पहले जो है 100 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाता, अभी वो 80 to 90 हो गया है। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। लिस्टिंग गेन की चांसेस है, मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन आ जाएगा, तो आप लिस्टिंग गेन के पर्पज से कर सकते हैं आप। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना है, देखना है कि अर्निंग किस तरह से रिवाइव हो रही है, और आप चाहते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो और मैं आपको अपडेट करते रहूं, तो हमारा जो है ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं जिस पर हम आपको बताएंगे। अभी आज day 1 है, day 2 day 3 बचा हुआ है, तो उस पर भी हम अपडेट कर देंगे आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो लिस्टिंग गेन को तो कर सकते हैं, फिर भी जिस तरह से डेवलपमेंट होगा उस तरह से मैं आपको यहाँ पर अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, इसका आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ट्विटर पर चाहें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर जगदीश झा पेज के नाम से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सब लिंक है। यदि आप चाहते हैं हमारे एक प्रीमियम सर्विस लेना चाहते हैं तो फ्रंट पेज पर सर्विस है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं, जो जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ टेक्निकली फंडामेंटल, सब आपको यहाँ पे क्लासेस मिल जाएगी। तो हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए jagdeesha.com, वहाँ पे क्लासेस के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगा। क्लासेस के रिव्यू देखना है तो यहाँ पे जो है गूगल में सर्च कीजिए जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस एंड कंसल्टेंसी, वहाँ पे हमारे क्लासेस के रिव्यू मिल जाएगी। और अभी आप न्यू इन्वेस्टर हैं और आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया है तो उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जुड़ सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी ओपन डीमैट अकाउंट करके है, वहाँ पे वेरियस ऑफर चलते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर हैं वहाँ पे, अपस्टॉक्स में खुलाओ, जीरोधा में खुलाओ, सब जगह हमारा सपोर्ट है। और अकाउंट खुलने के बाद भी जो है हमारा गाइडेंस रहता है, किसी तरह दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे जो फाइनल कंक्लूजन है कि आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि कभी भी कुछ निगेटिविटी आएगी तो एक हाई लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और स्टॉक गिर सकता है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है, तो लिस्टिंग पर्पज के लिए लगा सकते हैं आप। चलिए, तो मैं यही वाइंड अप करूंगा। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में डालें। आप किसी तरह का भी आपको किसी भी स्टेज पर आपको हेल्प चाहिए तो आप वहाँ पर कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर करेंगे। और इस वीडियो को आप जो है अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर कर सकते हैं यदि आपको पसंद आ रहा है। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।